Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 16th of September. So let's start the day with the first important topic and that is Storm 0558. अभी कोई कोड नहीं है जी. According to Microsoft Threat Intelligence, again China-based जो hacking group है उन्होंने identify किया है Storm 0558 को जो कि breach किया है US government inked email accounts. यानी कि Chinese वैसे भी hackers में आप देखो कि Chinese, Russians top पे आते हैं. तो इन्होंने कुछ यूएस गवर्नमेंट, सोचिए गवर्नमेंट से जो जुड़े हुए ईमेल अकाउंट्स हैं उसको भी ये नहीं छोड़ रहे जी. चाइनीज हर जगह पहुंच जाते हैं. तो इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट का ये रिपोर्ट बता रहा है. ऐसा भी नहीं है कि चलो रैंडम किसी ने है, माइक्रोसॉफ्ट का थ्रेट इंटेलिजेंस. तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं. ये एक स्पायनेज के कैटेगरी में आता है. सबसे बड़ी बात है कि ये एक स्पायनेज के कैटेगरी में, मतलब आप देखोगे कि ये जो थ्रेट है वो कहीं ना कहीं एक्टिविटीज जो इसमें इन्वॉल्व है, पहला बात तो ये है कि इससे देश को खतरा है. यानी कि अब यूएस गवर्नमेंट के पास में क्या होगा, वहां के नागरिकों का डेटा होगा, वो लीक होगा, यानी कि वो चाइना के पास जाएगा, तो ये देशवासियों के लिए खतरा है. दैट इज व्हाई स्पायनेज. ठीक है, चलिए मेथड क्या इस्तेमाल किया जाता है. तो मैनेज्ड सर्विस अकाउंट जो कि एक की है कहीं ना कहीं वैलिडेट करने के लिए ऑथेंटिकेशन की, जेन्युइन है कि नहीं है टोकन्स इस सर्विस के लिए. हैकर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं टोकन को जो वैलिडेट करता है उन यूजर्स के डेटा को और फिर एक्सेस देता है एंटरप्राइज को उस ईमेल के माध्यम से. चलिए नेक्स्ट हमारा जो है भारत का एक्सटर्नल डेट. तो अकॉर्डिंग टू द इंडियाज एक्सटर्नल डेट स्टेटस रिपोर्ट 2022-23 जो रेशियो है एक्सटर्नल डेट टू GDP वो डिक्लाइन किया है. बहुत अच्छी बात है. एक्सटर्नल डेट मतलब हम जो बाहर से लोन लेते हैं और GDP जो है, मतलब GDP के अकॉर्डिंग अगर हमारा GDP 100 रुपए का और अगर हमको लोन 102 का लेना पड़ रहा है, मतलब 2 रुपए जो है हमारा एक्सटर्नल डेट हो गया है. तो ये एक्सटर्नल डेट जो है वो कम हुआ है, मतलब 101 हो गया है. आप समझ सकते हैं भाई 18.9% जो कि पहले 20% के आसपास में हुआ करता था और वहां से ये डिक्लाइन करके, मतलब ऐसा नहीं है कि ये 20% मतलब 120 हुआ करता था, समझ रहे हैं ना, और अभी ये 118 के आसपास आ गया है. तो ये धीरे धीरे हम जितना इसको 100 अगर 100 के रेशियो पे ला देंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी. तो इंडिया का एक्सटर्नल डेट का डिक्लाइन, आप मेंस में अगेन ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो क्योंकि ऑथेंटिक डेटा है इंडिया एक्सटर्नल डेट स्टेटस रिपोर्ट. आप इस प्रकार से लिखेंगे, ट्रस्ट में आपको जो मार्क्स होगा वो सच में मिलेगा, जस्ट बिकॉज कि ये ऑथेंटिक है और आप गवर्नमेंट बैक्ड डेटा को कोट कर सकते हो. नेक्स्ट यहाँ पे है भारत का जो एक्सटर्नल डेट है वो 624.7 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास में है और ये डेट सर्विस रेशियो है 5.3% का, जो कि एक कंफर्ट जोन में है. क्योंकि आप देखोगे अभी के टाइम पे डेट सीलिंग लिमिट बहुत ज्यादा न्यूज में था, किसका जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का. साथ साथ में आप देखोगे पाकिस्तान भी लगातार डेट का चादर ओढ़े जा रहा है और इस वजह से डेट सर्विस रेशियो की बात कर लेते हैं. इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में इसको मेजर किया जाता है प्रोपोर्शन ऑफ ग्रॉस डेट सर्विस पेमेंट्स, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होता है. माने 100 रुपए का अगर सिंपल है और उस पे 5 रुपए अगर इंटरेस्ट है तो फिर 105 जोड़ा जाएगा. तो एक्सटर्नल करंट रिसीट्स यानी कि जो ग्रॉस इनकम है. अब अगर जो खर्च हो गया, ठीक है, हमने डेट लिया 100 रुपए का, 5 रुपए का उस पे इंटरेस्ट लगा, मतलब 105 हो गया, और जो रिसीट्स मतलब कि जो इनकम हुआ उस पे 100 रुपए का ही इनकम हुआ, तो ये 5 रुपए जो है वो डेट इज टू सर्विस रेशियो है. ये इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है. बाकी एक्सटर्नल डेट आपको बता दिए कि जो उधारी लिया जाता है बाहर से, ठीक है, किसी कंट्री से हो सकता है, IMF से हो सकता है, वर्ल्ड बैंक से हो सकता है, ठीक है, और इसको पे बैक करना होगा. सोर्सेस में आप देख सकते हो अलग अलग यहाँ पे मेंशन है, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB और किसी बाकी मुल्क के सरकार से. नेक्स्ट है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन्होंने डायरेक्ट किया है जो ड्रग्स कंट्रोलर हैं सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के कि एक स्ट्रिक्ट विजिल होना चाहिए, यानी कि सर्विलांस होना चाहिए जो सेल होता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है. गलत तरीके से जो लीवर मेडिकेशंस को बेचा जा रहा है जिसमें ये दवाइयों का नाम लिखा गया है डेफिटेलियो और टेकेडास का कैंसर ड्रग जिसका नाम है एडसेट्रिस. तो बेसिकली UPSC आपसे सिर्फ ये नाम दे देगा डेफिटेलियो क्या है जी बताना होगा और आपको पता होंगे ऑप्शन काफी मिलते जुलते हैं. तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे DGCI जो है, माफी चाहेंगे DCGI जो है, वो DGCI जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है. तो यहाँ पे आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इसकी बात करी जा रही है कि किस प्रकार से इनका रोल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में ऐसा कुछ ना हो. ऑलरेडी आप देखोगे कफ सिरप के वजह से भारत के ही अफ्रीकन कंट्रीज में काफी सारे बच्चे जो है वो मारे गए हैं. तो इस वजह से हमारा ओवरऑल हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहे जाते हैं, तो हमारा उस इमेज को इम्पैक्ट ना हो इसको लेकर के भी हम जिम्मेदार हैं. तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि जो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी
कमिटी है, बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत कौन से एक्ट से बनाया गया है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। ना एक सवाल हो सकता है कि CDSCO जो बॉडी है वो कौन से एक्ट से है, तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट से है और ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। इसका रेगुलेटरी कंट्रोल है ड्रग्स को लेकर के, अप्रूवल भी देना नए ड्रग्स का और क्लिनिकल ट्रायल्स चलाना, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तहत आता है। डॉक्टर हंसुख मांडविया जो है वो इसके मंत्री हैं। नेक्स्ट है UPI लाइट एक्स। तो ये लाइट एक्स, एक्स का ट्रेंड चल रहा है जी, ये ट्विटर वाला एक्स की भी बात कर सकते हो आप, अपने लाइफ का भी एक्स की आप बात कर सकते हो। तो यहाँ पे रिसेंटली जो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है NPCI, वो लॉन्च किया है UPI लाइट एक्स। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अलाउ करता है यूजर्स को कि सेंड एंड रिसीव मनी, जो कि कंप्लीटली ऑफलाइन होगा, कंप्लीटली ऑफलाइन होगा। ये बहुत बड़ी बात है, आप पैसा किसी से ले सकते हो, किसी को भेज सकते हो, और आपको उसके लिए आपको ऑनलाइन आने की जरूरत नहीं है। ये किसके लिए बेनिफिट होगा, जो ग्रामीण इलाकों में है, क्योंकि वहां पर इंटरनेट बहुत ज्यादा नहीं होता है, और ये एक्सेसिबल होगा टू एनीवन जिसके पास में एक कंपैटिबल डिवाइस होगा, और ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगा NFC को। NFC क्या है बेसिकली, तो ये शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो अलाउ करता है डिवाइसेस को एक्सचेंज करने के लिए डेटा को, जब भी वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी के होंगे एक दूसरे के, और टिपिकली ये काफी मतलब बहुत कम होता है, कुछ सेंटीमीटर या इंचेस के आसपास में। और ये आप देखोगे UPI लाइट, तो ये ऑन डिवाइस वॉलेट फीचर है, जहां पे यूजर्स रियल टाइम स्मॉल वैल्यू पेमेंट्स कर सकते हैं बगैर UPI पिन के इस्तेमाल से, और ये पेमेंट सॉल्यूशन जो है वो लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस, यानी कि 500 रुपए या उससे कम। तो ये आपको ध्यान रखना है UPI लाइट के बारे में भी, और इसके पहले जो स्लाइड में हमने पढ़ा कि ये किस प्रकार से NFC जो है वो सपोर्ट करेगा ऑफलाइन पेमेंट्स को करने के लिए। तो भारत सरकार वैसे भी आप देखोगे डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, और इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इस टाइप के अगेन आप मेंस में इसको आप कोड कर सकते हो। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स से था, आई होप आपको वीडियोस इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, और साथ साथ में चैनल पे बाकी भी वीडियोस हैं वर्ल्ड अफेयर्स के सेक्शन में, शॉर्ट्स के सेक्शन में, तो आप जाकर के उनको चेक बीच बीच में करते रहिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।